नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोग का यूनिक एग्जाम नोट्स में स्वागत है। तो आज मैं आप लोग के लिए, अभी इसके पहले, इस वीडियो के पहले आप लोग को 30 प्रश्नों का वीडियो मिल चुका है और ऐसी टॉपिक को लिया जा रहा है जो एग्जाम में आते हैं और हूबहू प्रश्न आते हैं ऐसे ही। तो आप सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट को पूरा देखिएगा और फुल वीडियो देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं 31 से लेकर के आगे का वीडियो, आपको क्रम वाइज वीडियो मिल रहे हैं और ऐसे ही चुनिंदा प्रश्न लिए जा रहे हैं इसमें, जो आएंगे हूबहू पेपर में आएंगे और आते हैं। कुछ प्रश्न तो ज़रूर आपको मिलेंगे अगर आप प्रैक्टिस सेट पूरा कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 31 नंबर के प्रश्न को और लेते हैं, बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है आप लोग के लिए। अजंता गुफा समूह में प्रस्थापत की दृष्टि से सबसे प्रारंभिक बिहार कौन सी गुफा है? पहले आप प्रश्न पढ़ने का प्रयास करिएगा कि एग्जामिनर कह क्या रहा है। अजंता की गुफा समूह में स्थापत की दृष्टि से सबसे प्रारंभिक बिहार कौन सी गुफा है? पाली है, नवी, तेरहवीं, बारहवीं, कौन सी है इसमें? तो ये आपकी बारहवीं गुफा फेमस है। ये गुफा जो है स्थापत की दृष्टि से प्रारंभिक बिहार की अजंता गुफा जो है सबसे प्रारंभिक बिहार है। तो ये बारहवीं आपका आएगा, बारहवीं पे आप राइट आंसर लगाइएगा। 32 नंबर 32 नंबर का प्रश्न है, ये चीनी यात्री ह्वेनसांग के बारे में है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस शताब्दी में भारतवर्ष के अनेक बौद्ध स्थलों का भ्रमण किया था? तीसरी, पांचवी, छठी, सातवीं, किसमें किया था? ये हो जाएगा इसमें, ये चीनी यात्री ह्वेनसांग जो था ये सातवीं शताब्दी में भारतवर्ष के अनेक जो बौद्ध स्थल थे इसका भ्रमण किया था। तो आपको आँख मूंद करके सातवीं लगा देना है, इसको याद रखिएगा। यहाँ से कई बार प्रश्न बने हुए हैं ह्वेनसांग से। क्रिस्टल पैलेस अग्निकांड में नष्ट हुई अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियों के चित्रकार कौन थे? क्रिस्टल पैलेस था जो अग्निकांड वहाँ पे हुआ था अजंता में, तो वहाँ पे क्या था? ग्रिफिक्स, मेजर गिल, नंदलाल बसु, डॉक्टर वर्गीज। तो ये जो था मेजर गिल, इस प्रतिलिपियों के चित्रकार कौन थे? मेजर गिल थे। ये अग्निकांड में नष्ट हो गई थी अजंता की कुछ चित्रकार थे मेजर गिल, जो जली हुई थी अग्निकांड में, उस चित्रों के चित्रकार मेजर किल थे। ग्रिफिक्स द्वारा तैयार अजंता के चित्रों की 56 प्रतिलिपियां किस संग्रहालय में प्रदर्शित हैं? क्रिस्टल पैलेस लंदन, अल्बर्ट म्यूजियम, साउथ कैंसटन के इंडियन म्यूजियम, आधुनिक कला संग्रहालय दिल्ली, किसमें है? तो ये आपका हो जाएगा अल्बर्ट म्यूजियम में, क्योंकि ग्रिफिक्स द्वारा जो अजंता के 56 चित्रों की प्रतिलिपियां संग्रहालय में प्रदर्शित की गई हैं वो अल्बर्ट म्यूजियम में की गई हैं। राइट आंसर बी होगा और बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है आपका, बहुत ही उम्दा प्रैक्टिस सेट है, बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है। आप सभी लोग पूरा देखिएगा, वीडियो को फुल देखिएगा, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। बौद्ध भिक्षु किसमें रहते थे? बिहार, स्तूप, मंडप, बस्तियों में, किसमें रहते थे? तो ये हो जाएगा बिहार में रहते थे। बौद्ध भिक्षु किसमें रहते थे? बौद्ध बिहार बोलते हैं, तो बौद्ध भिक्षु किसमें रहते हैं? बौद्ध बिहार होता है। आसान सा प्रश्न है। अगला, अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? 24, 25, 29 और 30। तो यहाँ पे 30 का जिक्र किया गया है। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? 30 गुफाएं हैं, इसको आपको नहीं बोलना है, भूलना नहीं है सॉरी। और कई बार यह प्रश्न आपका पूछा गया है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट किस श्रेणी में इसको रखेंगे? अजंता की गुफाएं। आगे प्रश्न आपका कह रहा है कि जातक कथाएं क्या हैं? राजाओं की कहानियां, गणेश की कहानियां, बुद्ध के पूर्वजन की कथाएं, परियों की कहानियां, क्या है ये? तो इसमें जातक कथाओं में जो आता है इसमें बुद्ध के पूर्व की जन्म की कथाएं हैं, इसको जातक कथा कहते हैं। तो बुद्ध जो थे, बुद्ध जी, उनके पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं उसको जातक कथाएं कहते हैं या क्या है, ऐसा प्रश्न आपका कहता है। अजंता के कलाकार पहले क्या थे? रेखाचार्य, रंगाचार्य, धर्माचार्य, बुद्धाचार्य। तो इसमें आपका आ जाएगा रेखाचार्य। अजंता के कलाकार पहले क्या थे? वो रेखाचार्य थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा
रेखाचार के साथ जाएगा। अजंता में किस धर्म के चित्र नहीं हैं? बौद्ध, जैन, ब्राह्मण, ईसाई। तो इसमें आपका मिलेगा अजंता की गुफाओं में ईसाई के नहीं हैं, बाकी किसके किसके हैं, बौद्ध के भी हैं, जैन के भी हैं, ब्राह्मण के भी हैं। तो ये हो जाएगा ईसाई के चित्र नहीं है इसमें इस धर्म के, तो नहीं के लिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ईसाई। अगले प्रश्न के लिए बढ़ते हैं, 40 नंबर का बेहतरीन प्रश्न है। मातृ पोषक जातक कथा में बोधिसत्व को किस रूप में चित्रित किया गया है? यहाँ पे किया गया होगा, ये हो जाएगा नाग रूप में, हस्ती रूप में, बंदर रूप में, महिष रूप में। किस में? तो ये हो जाएगा हस्ती रूप में। मातृ पोषक जातक कथा में बोधिसत्व को चित्रित किया गया हस्ती रूप में चित्रित किया गया, तो राइट आंसर बी लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अजंता के चित्रों को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 6 और 9। किसमें? तो इसमें हो जाएगा 3। अजंता के चित्रों को 3 भागों में बांटा गया है, राइट आंसर हो जाएगा बी। चैत्य का आकार कैसा होता है? चैत्य का आकार कैसा होता है? वृत्ताकार, अर्धचंद्राकार, आयताकार, वर्गाकार। तो यह हो जाएगा अर्धचंद्राकार होता है चैत्र का आकार। चैत्र का आकार कैसा होता है? अर्धचंद्राकार होता है, जैसे आधा चंद्रमा होता है उसी के आकार का होता है। तो आपको इसको क्लियर कर लेना है। आप सभी लोगों को एक वीडियो मिल गया है जो TGT, PGT, आर्ट ब्रश से LT का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए। सभी बुकों का हम एक प्रैक्टिस एक वीडियो डाल दिए हैं। जिनको भी एग्ज़ाम देना है TGT, PGT का, वो सभी लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। और अच्छी बुक के बारे में जो बताया गया है उस सभी बुकों को आप ले सकते हैं मार्केट से और उसी को ही पढ़िएगा, जिससे आने वाले एग्जाम में आपको फुल सहायता मिल सके, तो आप लोग को ज़्यादा आसानी होगी। जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है? और आप दोनों चीज़ों का सहायता लीजिएगा। अगर अच्छे मार्क्स आपको गेन करने हैं, प्राप्त करने हैं, तो बुक का भी सहारा लीजिएगा और ऑनलाइन का भी सहारा लीजिए, तब आप अच्छा मार्क्स प्राप्त करेंगे। दोनों से पढ़ना होता है। जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है? महादेव पहाड़ी पर, रायगढ़ पहाड़ी पर, कैमूर पहाड़ी पर, सामदेव पहाड़ी पर। तो ये रायगढ़ की पहाड़ियाँ जो हैं, यहाँ पर जोगीमारा गुफा स्थित है। तो गुफाओं से ही प्रश्न आते हैं, इस बन रहे हैं अभी आपके। जोगीमारा गुफा की लंबाई कितनी है? 2.25 मीटर, 3.25 मीटर, 3.50 मीटर, 4.50 मीटर। तो क्या हो जाएगा इसमें? 3.50 मीटर हो जाएगा। जोगीमारा गुफा की लंबाई क्या होगी? 3.50 मीटर हो जाएगी। जोगीमारा गुफा का समय काल क्या है? 200 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व। तो क्या हो जाएगा ये? तो हो जाएगा 300 ईसा पूर्व हो जाएगा। जोगीमारा गुफा का समय है, समय काल 300 ईसा पूर्व। इसको मत भूलिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार पूछा गया प्रश्न है। जोगीमारा के चित्र कहाँ बने हैं? वेदी पर, छतों पर, दीवार पर, जमीन पर। तो यहाँ पे हो जाएगा छतों पर बने हुए हैं। जोगीमारा के जो चित्र हैं वो कहाँ बने हुए हैं? छतों पर बने हुए हैं। आप ऐसे लिखते चलिएगा, क्योंकि जानते हैं आप एक बार में आपको लर्न हो जाएगा, लेकिन जब आप कई चीज़ों का लगातार अध्ययन करते जाएंगे तो वो मिस करता जाता है। इसलिए आप वीडियो देखते रहिएगा और पढ़ते भी रहिएगा या नोट्स बनाते रहिएगा। जोगीमारा के चित्रों की पृष्ठभूमि किस रंग की है? लाल, सफ़ेद, काला और हरा। क्या हो जाएगा इसमें? तो ये सफ़ेद रंग की है उसकी पृष्ठभूमि, जोगीमारा में जो चित्र बने हुए हैं। और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट होगा ये आपका जो चल रहा है इस समय। जोगीमारा गुफा किस जनपद में स्थित है? देखिए ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, कोरिया में, सरगुजा में, रायपुर में, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका हो जाएगा सरगुजा में। जोगीमारा गुफा कहाँ पे है? सरगुजा में है। तो राइट आंसर बी के साथ हम चलते हैं 49 नंबर का प्रश्न। देखें क्या कह रहा है आपसे 49 नंबर का प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस प्रश्न को लेते हैं। और एक बात और है, क्योंकि बहुत कम समय हम आप लोगों का लेते हैं, बहुत कम समय में ज़्यादा प्रश्न हम सॉल्व करवाते हैं, क्योंकि आप लोग का समय हम नुकसान नहीं करना चाहते हैं। कीमती समय है आप लोग का, आप लोग पढ़ रहे हैं इस समय, तो बहुत ही कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न देने का प्रयास किया जाता है, जिससे आपका समय लॉस ना हो और आप तैयारी करते रहिए। सरगुजा जनपद किस राज्य के अंतर्गत आता है? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो आप छत्तीसगढ़ का नाम आएगा, तो सरगुजा उसी जनपद में स्थित है।
सीता बोगरा से प्रश्न है, सीता बोगरा क्या है? महल है, चित्रशाला है, मधुशाला है, नाट्यशाला है, क्या है? तो ये हो जाएगा नाट्यशाला। सीता बोगरा क्या है? नाट्यशाला है, इसको याद रखिएगा आप लोग, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। और जोगी मारा की कला किस धर्म पर, धर्म का प्रभाव पड़ा हुआ है? जैन, बौद्ध, हिंदू और ईसाई, किसका पड़ा हुआ है? तो ये हो जाएगा जैन का। जोगी मारा की कला पर जैन धर्म का प्रभाव पड़ा हुआ है, तो राइट आंसर ए लगाइएगा, जैन धर्म। जोगी मारा गुफा के चित्रों की आकृतियाँ कैसी हैं? लंबी, छोटी, किस तरह से हैं और बौनी है कि इनमें से कोई नहीं, क्या है? तो ये जानते हैं, इसमें बौनी है, वहाँ के चित्र जो हैं कैसे हैं? बौने हैं। तो अगला प्रश्न है 53 नंबर का प्रश्न। आप सभी लोगों से निवेदन है, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप फुल देखिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको किसी प्रकार का कोई भी पैसा पेड नहीं करना है, फ्री में आपको पढ़ना है, आपको अच्छी बुकों के बारे में अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं और मेहनत की जाती है आप लोग के लिए। तो इसलिए आपका कर्तव्य बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। बाघ गुफा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात। तो ये हो जाएगा, बाघ गुफा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। बाघ गुफा से प्रश्न, कई प्रश्न यहाँ से आते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है बाघ गुफा TGT और PGT के लिए। वो मध्य प्रदेश के किस जिले में बाघ गुफा स्थित है? धार, भोपाल, ग्वालियर, झांसी, किस में है? तो ये हो जाएगा धार हो जाएगा। मध्य प्रदेश के किस जिले में बाघ गुफा स्थित है? तो ये हो जाएगा धार जिला हो जाएगा। बाघ गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, नर्मदा, घाघरा, बागनी, कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बागनी हो जाएगा। बाघ गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? तो बागनी हो जाएगा।